हाँ पानी आता है मेरे को, बंद किया हुआ है नीचे से, बंद किया है नीचे से है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे निकाल रहे थे कपड़े धोने को, मैंने कहा चलो कपड़े साथ साथ में धोते रहेंगे, तब तक मैं अपना और काम कर लूँगी। तो यहाँ पे कपड़े मेरे मशीन में, ये मशीन मैंने बताई थी आपको कि मैंने नई खरीदी थी ये, क्योंकि दूसरी हो गई थी ख़राब, तो ये ली थी मैंने। तो अब डाले हैं इसमें कपड़े और बाकी का काम जो है वो भी होता रहेगा। तुम सब दा दूँ जो कौन बोला वीडियो बनाने ले। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने कपड़े भी डाले थे, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत बाहर का काम होता है, गमले वगैरह थे यहाँ पे, इनमें थोड़ी सी मैंने कर दी, घास घूस हो गया था, तो साथ साथ में ये भी निकाला। और यहाँ पे एक छोटी सी क्यारी भी बनाई है मैंने इस तरफ को, तो वहाँ पे भी मैंने थोड़ी सी भिंडियाँ मिर्चें लगा दी हैं, अभी तो इतनी सी बनी, चलो थोड़ा थोड़ा करके ही होगा। एक आधी एक क्यारी वो भी बना दूँगी, लेकिन वो होगी धीरे धीरे से, क्योंकि उसमें थोड़ा सा भी सफाई करने को है, क्यारी पूरी मतलब गर्मी गर्मी कार, गर्मी गर्मी। इसमें ना मतलब जैसे छोटे छोटे पेड़ हो गए थे, कांटे कूटे फूल वगैरह थे, वो मैंने सारे के सारे जो हैं वो साफ कर दिए थे। ये आगे दिख रही है आपको, यहाँ पे मैं बनाऊँगी क्यारी, यहाँ पे तो मैंने बना दी है, यहाँ पे मैंने मिर्ची और भिंडी लगा दी है, भिंडी के बीज ही लगाए थे, वो तो पता नहीं कब निकलेंगे, गर्मियों वाले थे, वो मैंने निकाल लगा दिए यहाँ पे। और आगे की जो क्यारी है उसमें मैं करूँगी सफाई, पर थोड़ा अभी और काम है घर के, तो वो ख़त्म होंगे उसके बाद ही यहाँ टाइम लगेगा, क्योंकि घर में भी छोटा मोटा काम लगाया हुआ है, तो वो जो है वो उसके बाद फिर टाइम ही नहीं लगता है पूरा दिन। तो मतलब जैसे काम करने वाले भी आते हैं कभी, एक मैं तुलसी भी बना रही हूँ आंगन में अपनी साइड में, तो वो भी आते हैं, वो बेचारे लगे रहते हैं पूरा दिन काम करने, और उनको फिर खाना वाना भी बनाना पड़ता है दिन में। पहले तो प्लम्बरिंग का काम था थोड़ा सा, नल के टूटियाँ ये ऐसे वैसे ख़राब हो गए थे छोटा मोटा, और बाकी जो था वो जैसे बिजली का काम था, वो ट्यूब में वगैरह वो भी वो भी ख़राब हो गई थी, और पंखे वगैरह थे वो भी मतलब ऐसे हो गए थे, आवाज़ आती थी बहुत ज़्यादा उनकी, तो वो सारा का सारा जो काम है वो मतलब सारा ठीक करवाया, क्योंकि रहने लायक तो देखो हमें बनाना ही पड़ेगा ये। अभी जैसे अभी तो हम सोच रहे थे कुछ भी नहीं करना, लेकिन ऐसे भी कहाँ चलता है, ले जहाँ रहना है वहाँ पे तो जो रिपेयरिंग होती है वो तो रिपेयर का काम होता है वो तो करनी ही पड़ती है। तो ये देखो बच्चे भी साथ में मस्ती कर रहे हैं, ये हमारे मतलब इधर के ही हैं घर के बच्चे, मतलब जैसे देवरानी होती है, देवरानियों होती नहीं है, देवरानी है दीदी, तो उनके बच्चे हैं, एक प्रियंका का है और ये बिंदु है, एक देवरानी है मेरी, ये हर्ष, ये तो ये सारे जैसे शाम के टाइम छुट्टी वाले दिन ये इधर ही रहते हैं, आ जाते हैं खेलने मैक्स के साथ। तो बस क्योंकि बच्चे तो क्या है, बच्चों के साथ प्यार से बोलेंगे तो वो वहाँ पे रहेंगे, थोड़ा सा इनको डांटेंगे तो वो दोबारा नहीं आएंगे बच्चे, तो बच्चे भी जो होते हैं वो समझते हैं कि हमारे साथ कोई कैसा बिहेव कर रहा है। तो मेरा तो यही है कि मेरा तो मन लगा रहता है इनके साथ, तो बस, और बच्चों का भी लगा रहता है, बच्चे तो मैक्स के साथ आते हैं ज़्यादातर, तो चलो मैक्स भी खुश रहता है। और यहाँ पे मैंने कपड़े जो हैं वो मेरे धो दिए मैंने और डाल दिए सूखने, और मशीन का एक सुख तो ये हो गया है कि चलो अब सूख के निकल रहे हैं इससे कपड़े, पहले मुझे दूसरी मशीन से बड़ी प्रॉब्लम आती थी, तो इससे जो है वो मेरा काम बहुत आसानी से मतलब और बहुत अच्छा हो रहा है। और यहाँ पे फिर हम नेक्स्ट डे चले थे घूमने, घूमने क्या मतलब कि कहीं जा रहे थे काम से, तो ये नन्नू है, और ये दीबू है, प्रियंका है और चाचा जी हैं। तो हम जा रहे थे क्योंकि मस्से वगैरह हो गए थे ना, तो गले में मेरे को भी हुए थे थोड़े से, और नन्नू को भी हुआ था एक मस्सा पैर के अंगूठे के पास, तो यहाँ पे है कोई जगह तो वहाँ पे बोलते हैं कि चढ़ाए इनको, तो मस्से जो हैं वो साफ हो जाते हैं, तो हमने बोला कि चलो जाए आते हैं एक बार, देखाते हैं कि जाते हैं कि नहीं आते हैं, तो चढ़ाने गए थे वहाँ पे। और ये हमारे घर का रास्ता है, जंगल जंगल पड़ता है, लेकिन बहुत अच्छा सा है ये, यहाँ पे मोर, फिर वो जो मतलब सारे पशु पक्षी होते हैं इस जंगल में, और हमारे गांव और जानवर तो इतने बड़े बड़े होते हैं ना, कि जैसे चीते वगैरह, फिर भेड़िया, सारे जानवर होते हैं, जंगली जानवर जो है ना वो सारे इस जंगल में होते हैं,
रात को तो डर भी लगता है, लेकिन अब आदत पड़ चुकी है, दिन में तो कुछ नहीं होता है, पर रात को जैसे गाड़ी गुड़ी में जाए तब तो ठीक है, लेकिन ऐसे पैदल भी जा सकते हैं तो जंगली जानवर बहुत होते हैं इधर। तो ये देखो, ये अंकल है, इतने एज नहीं ये, और देखो इन्होंने तुलसी बनाई मेरी। कितना कर रहे हो? जैसे बनेगी वो मैं आपको दिखाऊंगी। कितना कर रहे हैं? पर ये बना रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, कितनी उम्र होगी तुम्हारी है अंकल जी? उम्र कितनी होगी? हाँ बोल रही, तुम्हारी उम्र कितनी हुई? मेरी उम्र तो 76 साल है। 76? अच्छा, हाँ जी 76 साल होगी ना भी। आंदे अंग्रेजी न्याणे कोई 85 साल भुली ओ अंकल अपनी उम्र। आंदे डैडी 75 साल दे पर अंकल जी तुंदे भी बनाई थी मैं वीडियो। क्या बनाई थी? वीडियो वीडियो बनी थी आई। तो ये जी थोड़ी सी रिपेयर थी वो करवा रहे हैं, और यहाँ मैं लगी थी सब्जी काटने नहीं लगी थी, प्याज लगी थी काटने, और पत्ता गोभी बना रही हूँ शाम को। तो जी बस ये था आज का छोटा सा ब्लॉग, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जो लोग पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, और जो देखते आ रहे हैं वो सपोर्ट करें। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। और ये है शाम का टाइम, तो शाम को अभी जाके लगा मेरे को टाइम ये को घुमाने का शाम। बस हेलो जी, राधे राधे जी, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो अभी टाइम है 6:30 का, मैं दीवू और नन्नू जा रहे हैं मैक्स को घुमाने। तो ये टाइम लगा आज क्योंकि घर में छोटा मोटा काम भी चला है, और बताया ही था मैंने आपको कि छोटे मोटे काम है वो तो करवाने ही पड़ते हैं, तो वो करवा रहे थे और अभी लगा जाके टाइम मैक्स को घुमाने का। तो अभी लगी हूँ इसको घुमाने, और साथ में ये जा रहे हैं, ये देखिए ये है दीवू, मैक्स है, नन्नू है। ओए ओए छू करते नहीं, हाँ मम्मी आए। अच्छा क्यों ला दे? थोड़ा बहुत इं मुकी गया हूं, इंगे हूं रंग आले इं गया रहने जोगा हो गया पे। हां जुड़ गई।